ईडी द्वारा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आज तीसरी बार समन जारी कर 9 सितंबर को पूछताछ के लिए कार्यालय भेजा है, जिस पर जेएमएम ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि केंद्र सरकार द्वारा संवैधानिक संस्थानों का दुरुपयोग किया जा रहा है, पर हमारे पास न्यायालय का रास्ता है और हमने न्यायालय में गुहार लगाई है। बता दें कि इससे पहले ईडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 2 बार समन जारी कर जमीन घोटाला मामले में पूछताछ के लिए 24 अगस्त को बुलाया था, जिस पर मुख्यमंत्री ने न्यायालय के शरण में जाने की बात का हवाला दिया। संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास न्यायालय का दरवाजा खुला है, हम न्यायालय में गुहार लगाए हैं, न्यायालय से हमें रिलीफ मिलने की उम्मीद है। अगर रिलीफ नहीं मिलेगा तो फिर जैसा न्यायालय का आदेश होगा, लेकिन उस सबसे अलग हटके हेमंत सोरेन जी को 3.25 करोड़ जनता पर भरोसा है और यहाँ की जनता ने उन्हें इस गद्दी पर बिठाया है। कोई गुजरात और दिल्ली के धन्ना सेठों ने नहीं बिठाया है। आज जिनके इशारे पर इस तरह के संवैधानिक संस्थाएँ आज जो दुरुपयोग करते हुए प्रताड़ित और परेशान करने का सिलसिला चला है, ये बहुत ही दुखद है। गौरतलब है कि झारखंड की राजधानी रांची में सेना के जमीन समेत कई बेशकीमती जमीनों को गलत तरीके से फर्जी दस्तावेज बनाकर खरीद बिक्री की गई, जिसकी जांच ईडी कर रही है और इस मामले में रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन समेत 1 दर्जन लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस तीसरे समन पर 9 सितम्बर को ईडी कार्यालय जाते हैं या नहीं। रांची से आशुतोष सिन्हा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।